Nivedita ma'am. Today I will teach you in English. Page number 32. Use of I am, you are and we are. So children, I am हम कहाँ use करते हैं ये बताते हैं. We use I am to talk about ourselves. I am हम वहाँ use करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं. Then we use you are to talk about another person. और you are हम वहाँ use करते हैं जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं. We use we are to talk about a group that we are a part of. और we are जब हम ऐसी जगह पर use करते हैं जब हम उस ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसमें हम भी होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है आई एम किरण. किरण किसके बारे में बोल रही है? अपने बारे में बोल रही है. तो वो क्या बोलेगी? अपने बारे में बोलेगी तो आई एम यूज होगा. आई एम किरण. आई एम ए मदर. वो अपने बारे में बोल रही है कि आई एम ए मदर. नेक्स्ट है यू आर. यू आर रोहित. रोहित के बारे में बोल रही है कि तुम रोहित हो. यू आर ए फादर. आप फादर हैं. यू आर वहां पर है, दूसरे के बारे में बोल रही है इसलिए यू आर वहां पर लगेगा. थर्ड वन है वी आर हैप्पी. वी आर हैप्पी मतलब हम सब बहुत खुश हैं. वी आर हैप्पी. और यहाँ भी है वी आर पेरेंट्स मतलब हम सब पेरेंट्स हैं इसलिए हम सब खुश हैं. वी आर पेरेंट्स. वी आर यहाँ पे यूज होगा जब ग्रुप के बारे में बात होगी. सो चिल्ड्रेन अब फिर से मैं बता रही हूँ आप लोग को. वी आर वी यूज आई एम टू टॉक अबाउट अवर सेल्फ. तो हम लोग अपने बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं? आई एम. जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे यू आर यूज करते हैं. एंड जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं सबका एक साथ जब हम लोग होते हैं जिसमें हम भी होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूज करते हैं. एंड चिल्ड्रेन नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज पेज नंबर 33 ग्रामर फन. हु वी यूज हु टू आस्क अबाउट समवन. हु हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं. हु मतलब होता है कौन. ठीक है. अब यहाँ पे दो हैं, डॉग है और जिराफ है. आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे उसमें दो फिगर दिया हुआ है, एक डॉग का एंड एक जिराफ का. उसमें जिराफ जो है वो डॉग से पूछ रहा है हु आर यू तुम कौन हो. तो डॉग बोल रहा है आई एम ए डॉग. डॉग क्या बोल रहा है कि मैं डॉग हूँ. आई एम ए डॉग. यहाँ पे आपको लिखना है आई एम ए डॉग. आई एम शॉर्ट उसमें भी आई एम लगेगा. आई एम शॉर्ट एंड आई एम ए पेट. आई एम पेट. अब चिल्ड्रन डॉग बता रहा है जिराफ को यू आर जिराफ. वाई ओ यू यू ए आर ई आर. यू आर ए जिराफ. यू आर टॉल. यू आर tall. You are a wild animal. अब यहाँ पे डॉग बता रहा है कि we are friends. We are animals. फिर से एक बार बोल रहे हैं. जिराफ पूछ रहा है हु आर यू. तो डॉग बोल रहा है आई एम ए डॉग मैं एक कुत्ता हूँ. आई एम शॉर्ट मैं छोटा हूँ. आई एम ए पेट मैं एक पालतू हूँ. उसके बाद डॉग बोल रहा है जिराफ को यू आर ए जिराफ तुम जिराफ हो. यू आर टॉल तुम लंबे हो. यू आर ए वाइल्ड एनिमल तुम एक जंगली जानवर हो. और बोल रहा है कि हम सब मिलकर फ्रेंड्स हैं. वी आर फ्रेंड्स हम लोग दोस्त हैं. वी आर एनिमल्स हम सब जानवर हैं. यहाँ पे दो टॉर्टोइस और हेयर दोनों बात कर रहे हैं जिसमें हेयर पूछता है हु आर यू. तो टॉर्टोइस बोलता है आई एम टॉर्टोइस. आई एम
टॉर्टोइस आई एम स्लो मैं बहुत धीरे हूँ धीरे चलता हूँ आई एम स्टेडी मैं स्थिर हूँ यहाँ पे टॉर्टोइस बोलता है यू आर ए हेयर यू आर फास्ट तुम बहुत फास्ट हो यू आर केयरलेस तुम बहुत केयरलेस हो और यहाँ पर दोनों है वी आर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग वी आर का यूज करेंगे वी आर फ्रेंड्स वी आर रेसर फ्रेंड्स मतलब वी आर फ्रेंड्स मतलब हम लोग सब दोस्त हैं और वी आर रेसर्स हम लोग रेस करते हैं रेस में भाग लेते हैं फिर से देखो बच्चों यहाँ पे हेयर जो है और टॉर्टोइस दोनों बात कर रहे हैं जिसमें हेयर पूछता है हु आर यू तो टॉर्टोइस बोलता है आई एम ए टॉर्टोइस आई एम स्लो आई एम स्टेडी और हेयर टॉर्टोइस बोलता है यू आर ए हेयर यू आर फास्ट तुम खरगोश हो तुम बहुत फास्ट हो यू आर केयरलेस तुम केयरलेस हो फ्रेंड्स हम लोग दोस्त हैं और वी आर रेसर्स हम लोग रेस लगाने वाले हैं सो चिल्ड्रेन अभी ये एक्सरसाइज आप लोग अपने बुक में कर लीजिएगा टिल देन टेक केयर बाय बाय